बाटा पे क्या राय होगी अमित आपकी? बाटा पे व्यू तो नेगेटिव है क्योंकि 575 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके नीचे स्टॉक सस्टेन कर रहा है एंड वहां पे ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस डेरिवेटिव साइड में क्रिएट हुई है, तो शॉर्ट टर्म में इसका जो लक्ष्य बन रहा है अराउंड 535 टू 540, तो व्यू यही होगा कि 575 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजीशंस बनाएं एंड 530 अपना नियर टर्म टारगेट होगा। तो ये कुछ कैसे स्टॉक्स इस पर आते हुए देखिए, लेकिन आज देखिए इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है, बाजार को किसी सेक्टर ने कमजोर किया है तो आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है गिरावट देखने को मिल रही है, खासतौर पे बाटा पे सेल कॉल है 530 रुपये तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्फोसिस में जिस तरह से मार्जिन को लेकर चिंता जताई गई है कि FY17 के पहली तिमाही में करीब मार्जिन 2% तक घट सकता है, उसके बाद देखिए इन्फोसिस में जोरदार गिरावट देखने को मिली 3% की, और न केवल इन्फोसिस में पूरे आईटी स्टॉक्स में खासतौर पर हैवीवेट आईटी स्टॉक्स में देखिए दबाव देखने को मिला। अमित क्या राय होगी आपकी, क्या इन्फोसिस की गिरावट और आपको लगता है नीचे तरफ जाएगी या गिरावट हो चुका है, इस खबर का इंपैक्ट देखने को मिल चुका है, TCS विप्रो माइंट्री परसिस्टेंस में भी हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बेरिश ट्रायंगल बन ही रहा था एंड उसके बाद में ये इंफोसिस की नेगेटिव न्यूज आई है, हमारा जो लक्ष्य इंफोसिस पे अराउंड 1120 से 1100 तक बनता है, तो इस लेवल पे भी एक शॉर्ट करने की सलाह होगी क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियरली विजिबल है एंड नैस्डैक में भी सिमिलर पैटर्न बना है, तो अपसाइड यहाँ से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये को कहने का बेरिस पैटर्न बन रहा है, लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आज देखिए एक इंटरेस्टिंग प्ले हमने देखा लगातार पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पे दो दिनों में देखिए जब से कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, ब्रेंट क्रूड $52 के आसपास ट्रेड करा, आज हैवी वेट देखिए क्रूड स्टॉक्स केन इंडिया ONGC ऑयल इंडिया इन तीनों में खरीदारी देखने को मिले। इसके अलावा ड्रिलिंग स्टॉक्स देखिए अबन ऑफशोर सेलान गोल ऑफशोर जैसे स्टॉक्स में वहां भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, कल ज्यादा तेजी थी आज थोड़ी तेजी कम हुई है लेकिन अभी भी मजबूती देखने को मिली है। इन आठ स्टॉक्स जिसकी मैंने बात की केन ONGC ऑयल इंडिया सेलान अबन ऑफशोर इन सब में से कोई पसंद है क्या आपको? देखिए हमने एक ऑयल इंडिया का रिकमेंडेशन क्लाइंट को दिया है अराउंड 345 पे, हमारा जो लक्ष्य अराउंड 385 है लेकिन उसके ऊपर हमें तेजी नहीं लग रही है, तो यहाँ से 8-9% का ही रैली हम ऑयल इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आज कोई लॉन्ग पोजीशंस ले रहा है तो उसका स्टॉप लॉस 352 का क्लोजिंग बेसिस पे रखना जरूरी है। तो ऑल इंडिया पे पॉजिटिव थोड़ी सॉरी मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन आज आप खरीदारी करके चल रहे हैं तो 352 का उसमें स्टॉपर्स लगा चलिए, अभी भी मजबूती देखने को मिल सकते हैं। ड्रिलिंग स्टॉक्स में से कोई पसंद नहीं आपको? देखिए अबान में हमें लग रहा है कि ऑलरेडी ज्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो ड्रिलिंग स्टॉक्स में यहाँ से प्रेशर आ सकता है, तो उनमें एक अवॉइड की सलाह। तो ड्रिलिंग स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से जहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, अवान थोड़ी उनको मजबूती उनको लग रही है, अभी भी देखिए अवान दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करा। चाय कॉफी स्टॉक्स देखिए आज कहीं ना कहीं गर्म है, वहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिली है जिस तरह से इनकी कीमतें लगातार मजबूत बनी हुई है, कल भी हमने देखा था सेकंड हाफ में तेजी की शुरुआत हुई थी टाटा ग्लोबल टाटा कॉफी जैसे स्टॉक्स में और यह तेजी आज भी बढ़ती हुई दिखी है। रोसेल इंडिया जैसी ट्री इसके अलावा हरिसन मलयालम धनुषी ट्री जैसे स्टॉक्स देखिए एक अच्छी मजबूती है, CCL प्रोडक्ट टाटा कॉफी बॉम्बे बर्मा जैसे स्टॉक्स देखिए यहाँ मजबूती देखने को मिले। ये 10-12 स्टॉक्स हैं इस सेक्टर से लिस्टेड, क्या इसमें से कोई पसंद है आपको? देखिए हमने बॉम्बे बर्मा में एक रिकमेंडेशन दी थी क्लाइंट को अराउंड 400 के करीब एंड अभी भी हमारा जो होल्ड स्ट्रेटजी उस पे इंटैक्ट है, हमें लग रहा है बॉम्बे बर्मा काफी आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि उसका लक्ष्य अराउंड 520 की तरफ बन रहा है मंथली चार्ट पे, तो इस पे हमारा पॉजिटिव व्यू कायम है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कोई यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना रहा है दो तीन दिन के व्यू से तो 380 का क्लोजिंग बेसिस पे टाइट स्टॉप लॉस की सलाह होगी। तो बॉम्बे बर्मा अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए 520 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप नया खरीदारी करना चाहते हैं 380 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। लॉसी स्टॉक्स देखिए लगातार तेजी है, जब से ये खबर आ रही है कि GST पे जो है अगले हफ्ते बैठक होने वाली है, कल भी एक अच्छी तेजी थी आज भी देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, गति स्टोमेन लॉजिस्टिक्स पटरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एजिस सिकाल ये तमाम लॉजिस्टिक स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा कमजोर हुए थे अब लोअर लेवल से करीब 30-40% तक रिटर्न दे चुके हैं, क्या लॉजिस्टिक्स में कोई पसंद है आपको? मोमेंटम के बेसिस पे गति में यहाँ से भी अपसाइड इंटैक्ट है, अराउंड 165 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन क्योंकि जो स्टॉप एंड रिवर्स जोन उसका 149 पे बनता है तो 149 के नीचे अगर आज क्लोजिंग आती है तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो व्यू गति पे ही पॉजिटिव है, रेस्ट ऑफ में तो ऑलरेडी यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा। तो गति में पॉजिटिव रहा है अमित को लगता है कि मजबूती और भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पे खासतौर पे तेजी देखने को मिली लिंक के बाद। सुपर हाउस देखिए थोड़ी देर पहले सुमित ने बताया था कि नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं इस कंपनी के, उसके बाद पूरे
लेदर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और सुपर हाउस में तेजी और भी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी भी कल शेयर देखिए करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार करा। लिबर्टी देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिली लिबर्टी में, वो भी करीब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। लिबर्टी पे खरीदारी करने की सलाह भी दी है अमित ने, उनको लगता है कि तेजी और भी देखने को मिल सकती है। तो कई सारे स्टॉक्स पे हमने अभी चर्चा की है, कई सारे स्टॉक्स ऐसे बचे हुए हैं जिसपे खासतौर पर हम चर्चा करेंगे। PSU स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।